नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओपी शास्त्री पुनः एक बार आपके सामने आज लेके आया हूँ आपके लिए केसरी योग और साथ में सकट योग। तो मित्रों बताते हैं ये केसरी योग का निर्माण कैसे होता है और सकट योग कैसे बनता है। तो पहले जानते हैं केसरी योग कैसे बनता है और उसका क्या फल हमको मिलता है। तो मित्रों यदि आपके जन्म पत्रिका में यानी लगन पत्रिका में बृहस्पति जिस घर में बैठा हो उस घर से चौथे घर में, सातवें घर में और दसवें घर में चंद्रमा विद्यमान हो यानी बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा बैठा हो तो इस योग का नाम है केसरी योग। बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो तो यह एक केसरी योग का निर्माण करता है। तो केसरी योग में जन्मा जातक कहा गया है कि शत्रुओं को हंता, शत्रु उसको दूर, शत्रु उसको देख के भयभीत हो जाते हैं यानी शत्रु हंता कह सकते हैं। और सिंह के सम्मान शत्रुओं का नाश करने वाला, गंभीर स्वभाव वाला, तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धि, मेधावी, साथ में अपनी बुद्धि और कौशलता के बल पर, बुद्धि की क्षमता के कारण समाज में अपना वर्चस्व कायम करता है, छवि बनाता है यानी समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब उसको मिलता है और समभाव में जीवन उसका होता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मना समाहिता, समभाव में धन संपन्न, यश संपन्न, चेहरे का तेज देकर लगता है कि हाँ व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षित होता है, आकर्षण से भरा होता है, दूसरों को अच्छा ज्ञान देने वाला, अच्छा गाइड करने वाला, अच्छी सलाह देने वाला, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर, चिकित्सक, ज्योतिषी भी बन सकता है। यह एक सुंदर राजयोग है और राजयोग के समान फल देने वाला है, सुंदर योग है, इसका नाम है केसरी योग, अच्छा योग है। और ठीक इसके विपरीत में है सकट योग। सकट योग कब बनता है, जब बृहस्पति से यानी जन्म पत्रिका में जन्म लगन में बृहस्पति जिस घर में बैठा हो उस घर से छठे घर में और आठवें घर में चंद्रमा बैठा हो। बृहस्पति छठे आठे चंद्रमा बैठने पर सकट योग का निर्माण हो जाता है। तो सकट योग में कहा गया है कि सकट के समान, यहां तक कहा कि आजीविका चलाने में बड़ी परेशानी आती है और सकट योग में यानी सकट के समान कभी कभी धन संपन्नता आ भी जाए तो पुनः उस धन संपदा को या मान सम्मान को, अपने सुखों को पुनः नष्ट भी कर देता है, नष्ट हो जाता है और दर दर भटकने वाला, समाज में तिरस्कृत, अपमान को सहने वाला, दुखित मना, मन गलाने से भरा हुआ और दरिद्रता तो घेरे रखती है। सकट योग में मतलब एक असाधारण योग है, सकट योग में ख्याति पाना संभव नहीं है, यहां तक कि मान सम्मान में भी कमी, मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है और विवाह के उपरांत आफ्टर मैरिज वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है यानी दुष्ट कहने उनकी स्त्री का स्वभाव अनुकूल नहीं होता है यानी समाज के लिए स्त्री अच्छी भी हो तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं उलझन, आपस में तनाव या उसको दुष्ट की भांति ही प्रतीत आएगी। शास्त्रों में तो ये कहा गया कि दुष्ट स्त्री वाला यानी स्त्री का स्वभाव अनुकूल ना होना ही दुष्ट स्त्री है, क्रोध स्वभाव का होना, उसके उसको सम्मान न देना, रिस्पेक्ट न देना, इस प्रकार से ये सकट योग है। सकट की भांति जीवन में उतार चढ़ाव, नाना प्रकार के उतार चढ़ावों को देख, उतार चढ़ाव से जीवन गुजरता है, भयभीत रहता है, आतंकित रहता है, तिरस्कृत रहता है, ये सकट योग है। तो मित्रों आप भी अपनी कुंडली में इसको अप्लाई अजमाएं और आपको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या आपकी पत्री में केसरी योग है या आपकी पत्री में सकट योग है, उसका क्या समाधान हो सकते हैं ये आपको हम पुनः बताएंगे। और आप अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके, अवश्य बताएं कि इस योग का आपको क्या फल मिल रहा है,
सकट योग का फल आप झेल रहे हैं या केसर योग के फल का आप लाभ उठा रहे हैं, यदि आपकी पत्रिका में ये योग है तो किस प्रकार के परिणाम दे रहे हैं। हमने अधिकांश पत्रियों में यानी 99.5% कह सकते हैं कि यह योग सटीक बैठता है। बस अर्थ यह है कि लगन किस प्रकार से है, यानी कि लगन में वो कारक भी होने चाहिए, कारक और अकारक आपको पता है। तो यदि जिस पत्रिका में लगन बृहस्पति चंद्रमा कारक हैं और केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं तो अति उत्तम, बहुत अच्छा फल देंगे। और ये अकारक हैं और साथ में सकट योग बना के बैठे हैं, या कारक हैं सकट योग बना के बैठे हैं तो अच्छा परिणाम तो नहीं मिलेगा। तो ये अप्लाई करें आप, और आप अवश्य हमें बताएं ताकि आपके कमेंट, आपका लाइक हमें प्रोत्साहित करेगा और अच्छी वीडियो और अच्छा ज्ञान आप तक पहुंचाने का। हम अपनी बुद्धि क्षमता के माध्यम से, प्रभु कृपा के माध्यम से, जो भी हमारे पास जो भी ज्योतिषीय सूत्र या ज्योतिषीय सलाह, ज्योतिषीय उपाय या ज्योतिष के माध्यम से जो भी आपके जीवन में सुबह शुभ घटित होने वाले ऐसे योग, सुबह शुभ योग हैं, हम निश्चित रूप से आप तक वीडियो के यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। और साथ में मित्रों, आजकल कोरोना की महामारी चल रही है तो अपना भी ख्याल रखिएगा, घर से बाहर कम निकलेगा, सब लोग यही बता रहे हैं, अपने हाथों को धुलते रहें और खूब अपना ध्यान रखें। आप समझदार हैं, खूब अपना ध्यान रखें, कम से कम बाहर निकलें। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्म कर्म तब होंगे जब शरीर स्वस्थ होगा, शरीर अच्छा होगा, या हम धराधाम पे होंगे तब तो करेंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें, और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।